हेलो स्टूडेंट, शेमरॉक आदर्श के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 और 10 का जो सेकंड चैप्टर है पॉलीनोमियल, उस पे से उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो पॉलीनोमियल बेसिकली होता क्या है? पॉलीनोमियल को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स जो है इसमें जो यूज होंगी वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जो टर्म्स यूज होगी, जैसे एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट कहें या फिक्स पॉइंट कहें, कांस्टेंट पॉइंट या फिर फिक्स पॉइंट। तो कांस्टेंट पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब है आपका रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। रियल नंबर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 1/2, √2, √3, कुछ भी आप जो नंबर आपने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो कहीं भी ये नंबर अकेला आता है, जैसे इस तरीके से आता है, तो वो क्या है? आपका कांस्टेंट पॉइंट है या कांस्टेंट टर्म है या फिक्स पॉइंट है। इसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है अननोन नंबर, अननोन नंबर जिसको हमें फाइंड आउट करना, जिसके बारे में हमें नहीं पता। जैसे एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, इन टर्म्स में जनरली यूज होगा। तो वेरिएबल का मतलब मैंने क्या बताया? अननोन नंबर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कुछ भी। जैसे आपका इक्वेशंस में या पॉलीनोमियल्स में यूज होगा 4x + 3, इस तरीके से। तो एक्स वहां पर क्या है? एक्स आपका वेरिएबल है। इसके बाद आता है एक टर्म्स यूज होती है, टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या है? टर्म्स का मतलब जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कांस्टेंट पॉइंट, कोई भी कांस्टेंट है उसका हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? टर्म्स बन जाता है। जैसे पॉलीनोमियल में यूज होता है 3x + 5, तो ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है। तो ये इसके अंदर कितनी टर्म्स होगी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर बात करें हम, तो ये 3x एक टर्म है और 5 आपका एक टर्म है। अब हम समझेंगे पॉलीनोमियल को। पॉलीनोमियल क्या होगा? कोई भी, जैसे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, इसको हम पॉलीनोमियल को ऐसे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे पॉलीनोमियल को। और इस एक्स का मतलब क्या है? इन टर्म्स ऑफ एक्स, पॉलीनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। वाई भी लिख सकते हैं तो इन टर्म्स ऑफ वाई हो जाएगा, जेड लिख देंगे तो इन टर्म्स ऑफ जेड हो जाएगा, यू लिख देंगे तो इन टर्म्स ऑफ यू हो जाएगा। तो हमने पी एक्स, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा जैसे a0 a1x a2x² a3x³ एंड इसी तरह चलता रहेगा anx^n। ये जो पॉलीनोमियल की फॉर्म है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरीके का जो होगा वो पॉलीनोमियल होगा। यहाँ पे a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 up to an ये आपके रियल नंबर हैं, ये आपके क्या हैं? रियल नंबर हैं। कोई भी नंबर हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। उसके बाद ये जो एक्स है ये आपका क्या है? वेरिएबल है। और एक्स की जो पावर है 1, 2, 3 up to n। अब इसमें जो मेन चीज आपने ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या? पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू कुछ भी होगा, उसकी पावर जो है ऑलवेज क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे मैं कह दूं आपको 3x + √x या 3x² कह दिया, कुछ भी कह, 3x + √x ये लिख दिया, क्या ये पॉलीनोमियल है? यस और नो? ये पॉलीनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि यहां तक तो ठीक है 3x², यहां पे √x का मतलब क्या होगा? √x का मतलब है x^(1/2). अब वेरिएबल की पावर कितना है? 1/2 है। इट मींस 1/2 तो आपका नेगेटिव, सॉरी इंटीजर नहीं है,
मैंने कहा था कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। अब इंटीजर को मैंने पढ़ाया था आपको कि सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। तो 1, 2, 3, 4, 5 फ्रैक्शन वाले नंबर जो है वो इंटीजर नहीं है, वो रेशनल नंबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है इंटीजर, तो एक्स रेज टू पावर 1/2, तो 1/2 इंटीजर नहीं है। इट मीन्स ये आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं है। तो 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x इज नॉट ए पॉलिनोमियल। और मैं एग्जांपल लिख दूं, 3x रेज टू पावर 4/5 ये लिख दिया। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, यानी कि वो फ्रैक्शन में दी हुई है। या मैं कह दूं x रेज टू पावर -3 ये भी इंटीजर नहीं है, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि -3 आपका नेगेटिव इंटीजर है। मतलब क्या है कि x की पावर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तभी वो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। हाँ ये कह सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे 3 है, 3 कांस्टेंट है। अब 3 क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो यस 3 इज पॉलिनोमियल बिकॉज क्योंकि 3 का किससे मल्टीप्लाई है, एक्स रेज टू पावर 0 से मल्टीप्लाई है। x रेज टू पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। किसी की भी पावर 0 अगर हमने लिखा है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। तो ये 3 इंटू 1 हो गया, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 हो गया। तो यहाँ पर x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, कहने का मतलब 0 है, तो 0 को भी हम पॉजिटिव में ही काउंट करेंगे। तो ये क्या है, ये जो अकेला 3 था ये पॉलिनोमियल है, इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, तो आई थिंक आपको पॉलिनोमियल अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर ऑलवेज क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे आपसे यही पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, तो आपने यही देखना है कि जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू जो भी लिखा है उसकी पावर चेक करनी है आपने। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री, जैसे हमने बात करी है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ या आप नोट करते रहें साथ के साथ। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे, डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर जैसे मैंने लिखा था 3x² + 5, अब इसमें क्या है हाईएस्ट पावर, इसका पॉलिनोमियल का देखेंगे हम, वो क्या है 2 है। जैसे मैं कुछ और लिख दूं, x रेज टू पावर 5 प्लस x 3x रेज टू पावर 4 5x² + 6। अब इसमें हाईएस्ट पावर आपकी क्या होगी, यहां पे चेक करेंगे, सबसे बड़ी जो पावर है वो क्या है 5 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसका क्या लिखोगे, इज इक्वल टू 5, एंड इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, पॉलिनोमियल को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जैसे हमने अभी डिग्री की बात करी थी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए एक टर्म्स मैंने लिख दिया, कांस्टेंट टर्म लिख दिया, जैसे 3 कह दिया मैंने। अब इसकी डिग्री आपसे पूछे तो क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 इज, क्योंकि इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक्स रेज टू पावर, जैसे हम वेरिएबल अगर लिखना चाहें तो एक्स रेज टू पावर 0 से। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 0। हमने 3 की पावर नहीं देखना है, हमने कांस्टेंट की पावर नहीं देखना है, हमने वेरिएबल की पावर देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 3 × 1 = 3 ही रहेगा ये, तो हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू में एक्स रेज टू पावर 0। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वो क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो 0 डिग्री सबसे पहले क्या आ गया,
जीरो डिग्री। तो ऐसे जो कांस्टेंट टर्म होती हैं उन सब में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। तो जैसे उसको हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो ए कह सकते हो। ए कोई भी रियल नंबर है, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल या ना सॉरी रैशनल या फिर इरैशनल। उसके बाद वन डिग्री हम लिखना चाहें तो वन डिग्री क्या होगी, जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं मैं, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो है आपका x की पावर कितना है यहाँ पे, यहाँ पे x की पावर है 1, तो x की पावर 1 है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, और इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपसे पूछना चाहे तो आप बता सकते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ये आपका क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसमें डिग्री 0 होगी वो आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसके बाद अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा, सोचो क्या होगा, वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। इसी तरह से आपका अगर डिग्री 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 4 है तो वो हो जाएगा, बताएंगे क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक उसको हम बोलते हैं। तो इसी तरह से चलते जाएंगे, डिग्री बढ़ती जाएगी उसी तरह से नाम उसके बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली आपका क्यूबिक तक आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जिसकी डिग्री 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखेंगे तो क्या होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे ध्यान रहे ए बी सी डी ये सारे रियल नंबर हैं और एक्स जो है आपका वेरिएबल है, इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे हमने क्लासिफाई किया। तो डिग्री के बेस पे हमने क्या क्या किया, अगर डिग्री 0 होती है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री आपकी 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर आपकी 2 होती है तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 3 होती है तो उसको बोलते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मैं यहां लिख लेता हूं, ये क्लासिफिकेशन में ही पढ़ रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे यहीं पे था। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे किसको, पॉलिनोमियल को। अब जैसे नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स एक है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल पॉलिनोमियल, या नंबर ऑफ टर्म्स उसमें क्या होगी, मोनोमियल्स होगी। अगर दो टर्म्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे दो टर्म्स किस में थी, लीनियर पॉलिनोमियल में थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल, उसकी टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी, बायनोमियल्स, ठीक है बेटे। नेक्स्ट आप जैसे इसी तरह से चलता रहेगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या है, 3 है तो वो क्या हो जाएंगी, ट्राइनोमियल्स हो जाएंगी, ठीक है, इसमें बी आई होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो क्या होंगी, ट्राइनोमियल। एक चीज का आपने ध्यान रखना है इसमें कि ये जो हमने लिखा है बायनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, इनमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर जो जैसे कि ए है आपका, ये ए बी और सी, ये तो ऑलवेज रियल नंबर है, मैंने आपको बता ही दिया। अब नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपकी ट्राइनोमियल, हमने क्यों कहा इसको, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमने काउंट करनी है 1, 2 और 3, ऊपर वाले में भी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है, तो 1, 2, इसमें कितने टर्म्स है, 1 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। तो हमने दो तरीके से पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया है, फर्स्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री में हमने बताया 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से चलता रहेगा। तो 0 डिग्री को हमने क्या कहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट मतलब उसमें अकेला केवल रियल नंबर ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सेकंड हमने बात करी थी 1 डिग्री जिसका होता है तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, और 2 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और थ्री होता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात करूं तो एक नंबर ऑफ टर्म्स है तो मोनोमियल, दो हैं तो बाइनोमियल, थ्री है तो ट्राइनोमियल। इसी तरीके से वो चलता है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल की आपने वैल्यू निकालनी है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कभी लाइक तो कर दिया, चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब करके साथ में ही घंटी का जो आइकन है, बेल का जो आइकन है, उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। अब हमने बात करी थी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि दोनों में है ये चैप्टर। चैप्टर की एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा आप एफर्ट्स करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस जो है आपको जो जो प्रॉब्लम आएंगी वो सारे की नाइन्थ क्लास की अलग से वीडियो बना के और टेंथ की अलग से वीडियो बना करके हम एक एक वीडियो जो है उनकी अपलोड करते रहेंगे। अगर ज़्यादा की ज़रूरत हुई तो ज़्यादा अपलोड करेंगे, बट आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, किस किस एक्सरसाइज के किस किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, वो सारे के हम सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताएंगे। तो हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे किसी पॉइंट पे, जैसे कि कोई भी आपका पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, टू एक्स प्लस थ्री। जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू। कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट दे देगा, एक्स की वैल्यू दे देगा, कहेगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ज्ञात करो, फाइंड आउट करो, पी एक्स की आपने वैल्यू निकालनी है, पी एक्स ये दिया हुआ है और किस पॉइंट पे निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू पे फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह वन अपॉन टू पुट कर देंगे, तो पी एक्स की जगह हम लिखेंगे वन अपॉन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू इन टू में वन अपॉन टू इन प्लस थ्री। तो ये टू से टू कट जाएगा, कितना बचा है यहाँ पे वन, और वन प्लस थ्री क्या आ गया आपका, फोर आ गया। तो इसका आंसर क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गई, फोर आ गई। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है, ये तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल था, अब पूछ लेगा आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो कह दे या फिर रूट्स कह दे, एक ही बात है, जीरोज या रूट्स। जीरोज या रूट्स का क्या मतलब है, वही जीरोज या रूट्स का क्या मतलब है, सॉल्यूशन से मतलब है। जैसे कि आपसे कहेगा, यही क्वेश्चन को मैं लिखता हूं कि फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, या फाइंड आउट द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे जीरो इसका, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका हमें जीरो फाइंड आउट करना है, तो उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि पुट करेंगे इसको पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। बस पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स आपका गिवन है टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री उधर जाएगा तो किसका हो गया, आपका थ्री उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एंड एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये टू से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस थ्री अपॉन टू आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका जीरो क्या आ गया या रूट क्या आ गया, माइनस थ्री अपॉन टू। अब ये पॉलिनोमियल अगर हम बात करें टू एक्स प्लस थ्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो क्या है, डिग्री अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, वन है, इसकी डिग्री वन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन है उससे ज्यादा उसके जीरो नहीं हो सकते, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो एक ही होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज वन ही होंगे। जितनी डिग्री होगी, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का, तो उसकी डिग्री क्या है, टू है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, टू होंगे। दो से ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम दो होंगे, दो से कम हो सकते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री तीन होती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज या मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आर थ्री, जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है,
इसी तरह से आगे चलता रहेगा। अगर डिग्री चार है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो चार होंगे, पांच है तो पांच होंगे, इसी तरीके से। उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक ये तो लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ था, अगर मान लीजिए आपको दे दिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया था, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये हमने कह दिया। इसके इसके आपने क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो जीरो निकालने हैं तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरो के, यानी उसको हम किसमें चेंज कर लेते हैं, ये इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। देखिए मैं दो चीजें होती हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बैक में ले जाऊंगा मैं आपको, पीछे लेके जाऊंगा। एक होती है एक्सप्रेशन और एक होती है इक्वेशन, ये आप समझ लें ध्यान से दोनों में फर्क क्या है। जैसे कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में एक ही कॉमन जो एक ही चीज है जो आपको समझ में आ जाएगी, जिससे क्लियर हो जाएगा, इसी को हम लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ये आपकी क्या है, एक्सप्रेशन है। और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी जहां पर इक्वल का साइन आ जाएगा तो वो बन जाएगी इक्वेशन, और जहां भी इक्वल का साइन नहीं होगा वो होगी एक्सप्रेशन। जैसे आपको ये कहेगा कि फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, तो इस तरीके से लिखा होगा। और अगर आपके कहता आपसे कहता है कि फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो इस तरीके से लिखा होगा। तो दोनों चीजों को आपने, ये बहुत छोटी चीज है बट बहुत से बच्चों को नहीं पता होती, इसको आपने ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में भी क्या फर्क है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे थे जीरोज और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो अब हमने इसका जीरोज फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या करेंगे, इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर आपसे पूछे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स अगर आपसे पूछे तो कितने होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रूट्स इसके क्या होंगे, टू होंगे मैक्सिमम। तो इसके रूट्स निकाल लो आप, कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाल सकते हो, 2x है जिस फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट आएगा वो सेकंड के सेकंड टर्म को स्प्लिट करने पर जो दो फैक्टर बनेंगे उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि हम इसको, ये तो सिंपल है वैसे भी, x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, यानी ये वैसे भी x प्लस वन का होल स्क्वेयर है। इसको खोलोगे आप x प्लस वन का होल स्क्वेयर तो यही आएगा, ए प्लस बी का स्क्वेयर आता है ना सभी को, ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो एक्स प्लस वन का स्क्वेयर आपने, ये इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स प्लस वन स्क्वेयर उधर जाएगा, स्क्वेयर रूट में बन जाएगा, जीरो का स्क्वेयर क्या, स्क्वेयर रूट क्या होगा, जीरो ही होगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन। तो कितने रूट्स, इसका एक ही रूट्स आया, वो क्या आया, माइनस वन। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे मैक्सिमम टू हो सकते हैं, बट दो से कम भी हो सकते हैं। अगर दूसरा लिखना चाहो तो दूसरा भी माइनस वन ही होगा, लेकिन वो तो सेम ही हो जाएगा। इट मीन्स इसका रूट्स जो है वो एक ही है, वो क्या है, माइनस वन है। तो मैक्सिमम मैंने टू बताया, उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से आप इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एक मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि इसमें आपने जीरो निकालना है, थ्री पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है थ्री एक्स प्लस वन, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, इसका जीरो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने थ्री एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट कर दिया, यानी कि आपने जीरो भी फाइंड आउट करना है और उसको वेरीफाई भी करना है। पूछा ये है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट, रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। तो कैसे करेंगे, थ्री एक्स इज इक्वल टू वन उधर जाएगा माइनस का, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन अपॉन थ्री। तो x की वैल्यू ये आ गई आपकी, थ्री मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में कर दिया हमने, अब ये तो आ गया जीरो इसका। अब इसको हमने वेरीफाई भी करना रिजल्ट को, तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री आप यहाँ पुट कर देंगे। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरीफाई करते हैं रिजल्ट को, p x की जगह लिखेंगे माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू में माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन, या थ्री से थ्री कट गया, माइनस वन प्लस वन क्या आ गया, जीरो आ गया। आना भी आपका क्या चाहिए, जीरो ही आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आ रहा इट मींस आपका रिजल्ट सही नहीं है।
तो ये जो है आपने चीजें ध्यान रखनी, वेरीफाई करना है, इट मीन्स लास्ट में आपका जीरो आना चाहिए, ये जीरोज निकाला है ना हमने, तो इसको पुट करने के बाद इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो बन जानी चाहिए। एक हम और ले लेते हैं छोटा सा एग्जांपल क्यूबिक इक्वेशन का, उसमें भी हमने जीरोज फाइंड आउट करने हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मैंने डायरेक्ट जीरो के इक्वल लिख दिया, इतना ही दिया हुआ है वैसे तो, जीरो फाइंड आउट करना है तो उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, वन, या इन दोनों में से क्या कॉमन ले कि यही बच जाए, तो माइनस वन कॉमन ले सकते हैं हम, एक्स प्लस का वन भी प्लस का, माइनस बाहर ले लिया तो दोनों प्लस के बच जाएंगे इज इक्वल टू जीरो। अब आपके पास दो टर्म होगी, एक ये एक ये, दोनों में से ये चीज कॉमन है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन को हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन और इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ गया, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है या तो ये जीरो के इक्वल है या ये जीरो के इक्वल है, यानी दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, या दोनों भी जीरो हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन, वहां से क्या आएगी एक्स स्क्वायर, वन उधर जाएगा प्लस का हो गया, और अब ये स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है, पता है ना सभी को, जब पावर दो इक्वल से इक्वल टू से उधर जाएगी तो पावर वन अपॉन टू हो जाएगी, और पावर वन अपॉन टू का मतलब होता है अंडर रूट, स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस और माइनस दोनों साइन भी साथ जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट वन, अंडर रूट वन क्या होगा, वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है, तो प्लस माइनस वन, कहने का मतलब क्या है एक प्लस का वन एक माइनस का वन, एक प्लस का वन एक माइनस का वन, और इधर से ऑलरेडी माइनस वन आया हुआ है तो इसमें, और उधर क्या आ गया वन माइनस वन, तो जो तीन आए आंसर, तीन जो जीरो आए माइनस वन वन माइनस वन, तो माइनस वन तो दो बार रिपीट हो गया, तो इसका मतलब यही आपके जीरो हैं। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, टू ही आए ना इसमें, वैसे तो तीन है बट कॉमन है वो माइनस वन, तो यहाँ पे ये जीरो आ गई माइनस वन और वन। अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पुट करके आप उसके वेरीफाई कर सकते हो, वो जीरो ही आना चाहिए। तो ये आपने कुछ क्वेश्चंस, हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक्स चीज़ें मैंने पॉलिनोमियल की बताई हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है और एक्सरसाइज करने का प्रयास करना है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है, फिर भी जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो एक्सरसाइज करेंगे तो तब हम उसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज के साथ। बाकी आप डेली काम करिए, चाहे थोड़ा करिए, हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा काम आप करते रहिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।